अन्वेषिपिन कैन डेथ हुम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपिन कैन डेथ हुम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपिन कैन डेथ हुम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपिन कैन डेथ हुम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरिया कोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरिकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने 5वें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और 6वें दिन अन्वेषिपिन कैन डेथ हुम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपिन कैन डेथ हुम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल
हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनवेसिपिन कैन डे थुम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनवेसिपिन कैन डे थुम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अनवेसिपिन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अनवेसिपिन कैंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने 5वें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और 6वें दिन अनवेसिपिन कैंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अनवेसिपिन कैंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति
और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनवेसिपिन कैन डे थुम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनवेसिपिन कैन डे थुम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कलर और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अनवेसिपिन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन 19 SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अनवेसिपिन कैंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने 5वें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अनवेसिपिन कैंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अनवेसिपिन कैंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले
जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनवेसिपिन कैन डेथुम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनवेसिपिन कैन डेथुम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अनवेसिपिन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अनवेसिपिन कैन मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने 5वें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अनवेसिपिन कैन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अनवेसिपिन कैन की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो
सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनवेसिपिन कैन डेथुम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनवेसिपिन कैन डेथुम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अनवेसिपिन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अनवेसिपिन कैन मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने 5वें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अनवेसिपिन कैन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अनवेसिपिन
स्पिन कैंडिथियम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनवेसिपिन कैंडेथुम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनवेसिपिन कैंडेथुम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अनवेसिपिन कैंडेथुम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टा विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अनवेसिपिन कैंडेथुम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने 5वें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और 6वें दिन अनवेसिपिन कैंडेथुम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ,
फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अनवेसिपिन कैंडी थीम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनी खोज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनवेसिपिन कैंडेथुम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनवेसिपिन कैंडेथुम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अनवेसिपिन कैंडेथुम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अनवेसिपिन कैंडेथुम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रह के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने 5वें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और 6वें दिन अनवेसिपिन कैंडेथुम ने 0.2 करोड़ की कमाई की।
कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अनवेसिपिन कैंडिथियम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनी खोज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनवेसिपिन कैंडिथियम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनवेसिपिन कैंडिथियम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अनवेसिपिन कैंडिथियम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अनवेसिपिन कैंडिथियम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरिया कोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरिया कोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने 5वें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और 6ठे दिन अनवेसिपिन
कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अनवेसिपिन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनवेसिपिन कैंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनवेसिपिन कैंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अनवेसिपिन कैंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अनवेसिपिन कैंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने
0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपेन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिन ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपेन कैंडिथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपेन कैंडिथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपेन कैंडिथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपेन कैंडिथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपेन कैंडिथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रह के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई।
यज्ञ चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषी कंडेथन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई। अन्वेषी कंडेथन की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषी कंडेथन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषी कंडेथन 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषी कंडेथन एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है। नंदू सीपीओ के रूप में हैं। इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषी कंडेथन मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरिया कोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरिया कोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताह शुरू हुआ, रविवार को 1.7
करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रह के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यद्यपि चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिकंडेथन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई। अन्वेषिपिन कैंडिथिम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपिन कैंडिथिम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपिन कैंडिथिम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपिन कैंडिथिम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड है। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपिन कैंडिथिम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई,
जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषी कंडेथन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषी कंडेथन की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषी कंडेथन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषी कंडेथन 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषी कंडेथन एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है। नंदू सीपीओ के रूप में हैं। इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषी कंडेथन मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरिया कोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरिया कोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी,
जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषी कंडेथन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई। अन्वेषी कंडेथन की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषी कंडेथन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषी कंडेथन 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टूविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषी कंडेथन एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड है। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है। नंदू सीपीओ के रूप में हैं। इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषी कंडेथन मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरिया कोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरिया कोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है।
टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषी कंडेथन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई। अन्वेषी कंडेथन की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषी कंडेथन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषी कंडेथन 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषी कंडेथन एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है। नंदू सीपीओ के रूप में हैं। इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषी कंडेथन मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डार्विन कुरिया कोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डल्विन कुरिया कोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं।
जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रह के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषी कंडेथन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई। अन्वेषी कंडेथन की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषी कंडेथन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषी कंडेथन 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है जो डार्विन कुरिया कोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिया कोस और डल्विन कुरिया कोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरैशी कोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरैशी कोस और डेल्विन कुरिया कोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में टोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषी कंडेथन एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड है। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है। नंदू सीपीओ के रूप में हैं। इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषी कंडेथन मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है।
जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरिकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रह के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषी कंडेथन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई। अन्वेषी कंडेथन की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषी कंडेथन मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषी कंडेथन 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरिकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरिकोस और डेल्विन कुरिकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरिकोस हैं, द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरिकोस और डेल्विन कुरिकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में टोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषी कंडेथन एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड है। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है। नंदू सीपीओ के रूप में हैं। इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषी कंडेथन मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया।
ये सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रह के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपेन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपेन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपेन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपेन कंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपेन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड है। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपेन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई,
जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डर्विन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषी कंडेथन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई। अन्वेषिपिन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपिन कैंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपिन कैंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपिन कैंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड है। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कुट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपिन कैंडेथम मलयालम भाषा फिल्म
उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपेन ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई। अन्वेषिपेन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपेन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपेन कंडेथम 1/2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपेन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कुट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं।
अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के
फादर के रूप में है। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपये थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश
हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपये थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड है। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कुट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन उन्नी SIT के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है।
माथन के रूप में विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को DSP, कृष्णन 19 SIT के रूप में हैं।
पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है, माथन के रूप में विट्टा विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम SI अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस SI अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को SP के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष PVP पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन CI के रूप में है। नंदू CPO के रूप में हैं। इंद्राश को
डीएसपी कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टा विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, निंदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज
नेदुमंडन सीआई के रूप में है, नंदू सीपीओ के रूप में हैं, इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं, पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है, माथन के रूप में विट्टा विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ये सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 1/2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, नेदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं, द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि, बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को
पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है, नंदू सीपीओ के रूप में हैं, इंद्राज को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं, पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है, माथन के रूप में विट्टा विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की। अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 1/2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राज सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, नेदुमंगन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं, द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं। अर्थना बिनु और आदना रवि
बाबू राज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है। नंदू सीपीओ के रूप में हैं। इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टा विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्वेषिपन कंडेथम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अन्वेषिपन कंडेथम 1/2024 भारतीय मलयालम भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा फिल्म है, जो डार्विन कुरियाकोस द्वारा निर्देशित और जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। फिल्म का निर्माण डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस ने किया है। फिल्म में टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में है। अभिनेता इंद्राश सिद्दीकी, सम्मी थिलाकन, सादिक आशीष, नेदुमंगदन बाबूराज ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी, साउंड ट्रैक, निर्देशन, कला और सेट डिजाइन की प्रशंसा की। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और 8 करोड़ के बजट के मुकाबले में 40 करोड़ से अधिक की कमाई की। जी हाँ, और इस मूवी के निर्देशक डार्विन कुरियाकोस हैं, द्वारा लिखित जीनू वी अब्राहम द्वारा लिखित है। डार्विन कुरियाकोस और डेल्विन कुरियाकोस द्वारा उत्पादित है और इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में डोविनो थॉमस हैं। छायाकांत गौतम शंकर ने तैयार किया है। जयसु श्रीनिधर द्वारा संपादित है। संतोष नारायण द्वारा संगीत दिया गया है और उत्पादित कंपनी यूडली फिल्म्स, थिएटर ऑफ ड्रीम्स और 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और कार्यकारी समय 145 मिनट है और यह मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई और इसका बजट 8 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ की है। जी हाँ, और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो अन्वेषिपन कंडेथम एसआई अनंत नारायण द्वारा जांच किए गए 2 असंबंधित हत्या के मामलों के इर्द गिर्द घूमती है। मामले सुलझने के बावजूद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह अपराधों के पीछे के अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ होता है। और कास्टिंग की बात करें तो टोविनो थॉमस एसआई अनंत नारायण के रूप में है। सेनान के रूप में विनीत थैंटिल डेविड हैं। राहुल राजगोपाल कबीर के रूप में है। सिद्दीकी को एसपी के रूप में है। आसान के रूप में सम्मी थिलाकन है। कांस्टेबल रविंद्रन के रूप में सादिक हैं।
अर्थना बीनु और आदना रवि बाबूराज अध्यक्ष पीवीपी पैलो के रूप में हैं। कोट्टायम नजीर को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीज नेदुमंडन सीआई के रूप में है। नंदू सीपीओ के रूप में हैं। इंद्राश को डीएसपी, कृष्णन उन्नी एसआईटी के रूप में हैं। पोस्टमैन चंद्रन के रूप में हरिश्री अशोकन है। माथन के रूप में विट्टा विट्टू किली प्रकाश हैं। जी हाँ, मधुपाल चर्च के फादर के रूप में हैं। अन्वेषिपन कंडेथम मलयालम भाषा फिल्म उद्योग की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी दिलचस्प कहानी 9 फरवरी 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर सामने आई, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह सिनेमा उत्कृष्ट कृति निर्देशक डरविन कुरियाकोस के दिमाग की उपज है, जो अपने जुड़वा भाई डेल्विन कुरियाकोस के साथ प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, जो थिएटर ऑफ ड्रीम्स के प्रतिष्ठित बैनर के तहत संचालित होता है। टोविनो थॉमस द्वारा निर्देशित फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पहले दिन 1.2 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद अगले दिन 30 लाख की सराहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे समाप्त सप्ताहांत शुरू हुआ, रविवार को 1.7 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय संग्रहण के साथ कमाई में वृद्धि देखी गई। यह गति चौथे दिन भी जारी रही और 65 लाख रुपए की कमाई की अपने पांचवें दिन फिल्म ने 0.61 करोड़ रुपए कमाए और छठे दिन अन्वेषिपन कंडेथम ने 0.2 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर फिल्म ने 5.68 करोड़ की कमाई की 6 दिन में। जी हाँ, फिल्म की कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई अन्वेषिपन कंडेथम की कहानी एक अनुभवी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जो सनसनीखेज हत्या के मामले में फंस जाता है। जिले जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे पूछताछ सामने आती है, अज्ञात तत्व राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत उद्देश्य सामने आते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।